Happy birthday to you. Happy birthday to you. भैया डेंगू मच्छर की दवा ले जाइए, खटमल की दवा ले जाइए, कोरोना की दवा ले जाइए। The people, by the people, of the people, और आप सब लोग का स्वागत करती हूँ फिर एक बार एक्सट्रीम रोड्स पर। तो कौसाम्बी बस स्टैंड का तो बोर्ड देख ही चुके, तो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ आप ये सोच रहे होंगे। एक रेल फैन और एक रेल ब्लॉगर के लिए अगर ट्रेन पास होती है तो कितनी बढ़िया बात होती है। तो दोस्तों यहाँ से देखिए मेट्रो भी जा रही है, तो बस आनंद विहार जो मेट्रो स्टेशन है एग्जैक्ट उसके सामने की ओर आना है आपको रोड क्रॉस करके। और कौसाम्बी के बस स्टैंड जो है उसके तीन गेट हैं, 1, 2 और 3, और 2 और 3 जो है वो एग्जिट के लिए है और 1 नंबर से एंट्री होती है बसेस की। तो चलते अपनी बस की ओर। जी दोस्तों, आज की सवारी हमारी जाने वाली है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम से, BSRTC। यस, बिहार की खूबसूरत वॉल्वो बस जो हमें डायरेक्ट दिल्ली से लेकर ले चलेगी पटना तक। तो हमारी सवारी ये 20 घंटों की होने वाली है और बीच में हम लोग ऑफिशियल 4 हॉल्ट होते हैं या अदरवाइज जो है 5 हॉल्ट होते हैं। और बेसिकली जो है पहला होता है जेवर, दूसरा होता है आगरा, तीसरा होता है लखनऊ, फिर होता है बारकुमा और 5वां होता है गोरखपुर। तो चलते हैं। ऑफिशियली ये गाज़ियाबाद है जो कि यहाँ के कौसाम्बी बस स्टैंड से हम निकलेंगे। अभी शाम को ये 5 बजे एग्जैक्टली हमारी बस चल पड़ेगी कौसाम्बी बस स्टैंड से और पटना पहुँचेगी कल दोपहर को 12:30 बजे। और अब बताती हूँ दोस्तों कि खुशी की बात क्या है। खुशी की बात ये है दोस्तों कि आज जो है हमें इनवाइट किया गया है बिहार स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा, और बिहार ने ये हमें ऑनर किया है कि हम इस बस का रिव्यू करें। तो रिव्यू तो जायज़ रिव्यू होगा, बायस नहीं होगा, और मेट्रो ट्रेन भी जा रही है दिखाई दे रहा है, तो एक्साइटमेंट तो बरकरार है। अंदर के बारे में आपको और जानकारी देते हैं कि क्या इसका कंफर्ट लेवल होगा, कितनी सीटें होंगी। चलिए अंदर। वाह, टेक्सचर तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्राउन और पर्पल। बेसिकली पर्पल फील आ रहा है, ब्लू लाइट है। वेल दोस्तों, 42 स्लीपर्स की ये बस है। बेसिकली जो है BSRTC ने वीक में, मतलब 3 दिन पर स्लीपर चलती है और बाकी के सारे दिन पर जो है सीटर बसेस चलती हैं सेम रूट पर। तो बेसिकली ये स्लीपर का मैं आपको बता देती हूँ कि अरेंजमेंट कैसे है। और यहाँ पर सिंगल है और लोअर है। सिमिलरली आपको यहाँ पर जो है डबल है लोअर और अपर। यहाँ पे CCTV कैमरास लगे हुए हैं, आपको इवन टाइम पता चल सकता है, वॉच भी है। उसके अलावा आप अगर देखेंगे कि सिंगल सीटर में जो फैसिलिटी है उसमें चार्जिंग पॉइंट है, यहाँ पर ऊपर जो है आपको रीडिंग लाइट दी गई है और AC वेंट भी है। उसके अलावा आपको फोन होल्डर है, सिमिलर पैटर्न में आपको डबल स्लीपर में भी सेम मिलेगा। यहाँ पर 2 चार्जिंग पॉइंट है, आपको दिख रहे हैं, वहाँ यहाँ 2 रीडिंग लाइट हैं, सिमिलरली 2 आपको मिलेंगे। अभी तक में मैंने ये देखा कि बहुत ही क्लीनलीनेस लगा मुझे, सीट पर भी जो है काफ़ी क्लीनलीनेस था और सीट काफ़ी स्पॉन्जी और फटी हुई कोई भी सीट नहीं दिखी, मैंने सारी सीटें देख ली हैं। CCTV कैमरा गेट पर भी है, तो उससे क्या हो जाएगा कि अगर कोई भी चीज़ होती है, 2 CCTV हैं देखिए, और ये बस वातानुकूलित है और इसमें एक होते हैं अटेंडेंट और ऑफ कोर्स हमारे सारथी बस ड्राइवर। ये गाड़ी एयर सस्पेंशन है ये। हाँ, इस गाड़ी को कमानी, जैसे और गाड़ी है ना टाटा या लेलैंड, उसको कमानी लगी हुई है। ये वॉल्वो, इसको एयर सस्पेंशन है, जैसे कोई स्पीड ब्रेकर है
या ऊंची डालने वाली गाड़ी है, ये गाड़ी अप होगी नहीं होगी। चलिए सारथी से बात करते हैं, राजेंद्र सिंह जी है और इनसे कुछ टेक्निकल जानकारी लेते हैं अपने बस के बारे में। जी राजेंद्र जी कुछ जी। आप बताएं जी। नमस्कार मैम, ये वोल्वो B11R है और इसका B11R इसलिए बोलते हैं कि इसका जो इंजन रियर साइड में, बैक साइड में, फ्रंट इंजन नहीं है जी। और ये 14.5 मीटर लॉन्ग है ये, इसमें दो मॉडल आते हैं, 13.8 और 14.5, और इसमें 42 बेड है इसमें। हाँ जी, टेक्निकली ये मतलब दूसरी बसों से कैसे बेहतर है? मैम नॉर्मल बसें जो टाटा हैं या लेलैंड है वो 130 या 160 हॉर्स पावर होती है, ये 370 हॉर्स पावर है ये। हाँ जी हाँ जी, मतलब उससे डबल का ट्रिपल इंजन है इसका। अगर आप इस बस स्टैंड पर आते हैं तो आपको ये महाशय जो है, आपका नाम? प्रद्युम्न कुमार सिंह। अच्छा, प्रद्युम्न कुमार सिंह आपको मिलेंगे और वही आपको जो है गाइड कर सकते हैं। बस से हैं, मुजफ्फरपुर से हैं। अच्छा, सीतामढ़ी हैं, जगत जननी जन्मभूमि से हैं और यही मुझे मिला है भाग, तो मैं उसको देख रहा हूँ। अच्छी बात है। वेल दोस्तों, आप लोग जो है इस काउंटर से भी टिकट काट सकते हैं। तो वैसे स्लीपर का कितना होता है सिंगल? 2047। ओके, और इसमें ऐसा कुछ है कि पीछे की सीट आगे की सीट उसमें नहीं, सब सेम है? दोस्तों एक और सवारी इसमें चढ़ रही है, वो है मिस्टर डॉन। आइए आइए, आपका स्वागत है। दोस्तों जो ये दो आपको बसेस दिखाई दे रही हैं वो भी BSRTC की है और ये दोनों बसेस जो हैं वो सीटर हैं। सीटर भी काफ़ी कंफर्टेबल है जैसे कि मुझे पता चला है। कंपेयर टू स्लीपर, सीटर के रेट जो हैं आपको थोड़े से कम मिलेंगे, बेसिकली अराउंड 1600 के आसपास। दोस्तों आप देख सकते हैं कि पैसेंजर्स को बॉटल्स भी दी जाती हैं। वेल दोस्तों, आप लोगों को ये लग रहा होगा कि भाई बस में क्यों जाएं जब ट्रेन में जो है 12 से 13 घंटे में हम पहुंच सकते हैं दिल्ली से पटना। तो बेसिकली जो है, ऑफ कोर्स ट्रेन की जर्नी जो है वो हमें काफ़ी कंफर्टेबल लगती है, लेकिन बसेस कब काम आती हैं? बसेस तब काम आती है दोस्तों जब ट्रेन में अवेलेबिलिटी नहीं होती। ये तो पैंडमिक के कारण जो है फिर भी आज की तारीख में आपको टिकट्स मिल जाती हैं, वरना ट्रेन में टिकट्स मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इमरजेंसीज़ में अगर बस मिल जाए जो कि एंड टू एंड जर्नी करा देती है, दिल्ली से ले करके आप पटना जा सकते हैं, तो नथिंग बेटर देन दैट। तो मुझे, और अगर ऐसा कम्फर्ट मिलता है तो कोई दिक्कत नहीं है। वेल दोस्तों, अभी हम लोग हैं यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर और हॉल्ट इसका होगा आगरा पर, जहाँ पर किसी को कुछ खाना पीना हो तो वो खा सकते हैं। और मेरे ख्याल से रिफ़्रेशमेंट के लिए भी अभी शायद किसी पेट्रोल पंप पे भी रोकने वाले हैं, तो वहाँ पे भी किसी को रिफ़्रेश होना है तो हो सकते हैं। ये बहुत अच्छा हो गया है कि हाईवेज पर जो कोई भी पेट्रोल पंप पे मैंडेटरी हो गया है कि टॉयलेट होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, इस बस में टॉयलेट नहीं है, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे तो रोका जा सकता है। मज़ा तो आने वाला है जब हम लखनऊ आगरा, मतलब आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पर होंगे ना, तब ज़्यादा मज़ा आने वाला है। क्योंकि 3 घंटे के स्ट्रेच, मतलब अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से 300 किलोमीटर का वो स्ट्रेच है, और बस जाते जाओ जाते जाओ जाते जाओ, हाईवे का भी लुफ्त उठाना एक अलग ही मज़ा है।
जिसे लॉन्ग ड्राइव पसंद है उसे बेसिकली उस रूट पे जाना चाहिए। हम लोगों ने तब ड्राइव किया था, शायद मैंने बताया भी है, उसका व्लॉग भी है मेरा जो है पटना टू दिल्ली का, जिसमें हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस हाईवे बताया है। और तब वहाँ पे कोई होटल नहीं थे, रेस्टोरेंट्स नहीं थे, और तभी ओपन भी नहीं हुआ था, जस्ट बना था तभी। दोस्तों ये है पेट्रोल पंप ब्रेक, तो यहाँ पे हमारी बस जो है वो पेट पूजा करेगी, उसके बाद हमारी पेट पूजा होगी। दोस्तों और एक फीचर है हमारी बस में, और वो फीचर है हमारा कि आप वाईफाई को एंजॉय कर सकते हैं, गोल्ड सीट आएगा, ओके, और फिर पासवर्ड आप ड्राइवर साहब से पूछ लेना तो वो बता देंगे, तो हम भी मूवीज देख सकते हैं अगर बस ट्रैवल कर रहे हैं तो। लेकिन गोल्ड ऐप भी डाउनलोड करना, ओके, ये रहा गोल्ड सीट वाईफाई, पासवर्ड डाल दिया और अब हम कनेक्ट हो गए। फाइन, अब कौन सी मूवी देखना चाहते हैं दोस्तों? जब भी मैं देखें मूवी शुरू हो गई। हाँ ये ज़रूर है कि बस में हम व्लॉगर्स के लिए थोड़ा लिमिटेशन हो जाता है, लेकिन इसका भी मज़ा कुछ अलग है। दोस्तों फास्ट टैग लाइन, बेसिकली जब टोल आता है हाईवेज पर तब बहुत परेशानी होती है, क्योंकि अगर आपने फास्टैग लाइन का ऐप या फास्टैग लाइन में जो है अपना जो है अमाउंट बैलेंस है, तो फिर आपको क्यू में नहीं खड़ा रहना पड़ेगा, आपकी कार या आपकी बस, जैसे हमारी भी बस, वो आराम से निकल जाएगी अगर उसमें बैलेंस होगा तो। और वो आप परचेस कर सकते हैं ऑनलाइन, काफ़ी सारे जो हैं ऑनलाइन मतलब साइट्स हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे बस में जो है 5 CCTV कैमरास हैं, और ये सिर्फ एक्सेस ड्राइवर के लिए नहीं है, ये एक्सेस है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी। बस चल रही है भले किसी भी रूट पर और हाईवेज पर, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन को बराबर से पता होता है कि बस के अंदर क्या हो रहा है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सेफ्टी का जो है ध्यान रखा गया है इस बस के अंदर, दैट इज़ रियली गुड। और एक चीज़ है कि इस बस में स्पीड गवर्नर भी दिया गया है, उसका मतलब है कि 90 से आगे इसकी स्पीड नहीं जा सकती है, तो मतलब आप कंफर्टेबली, सेफली और साउंडली आप इसमें ट्रैवल कर सकते हैं, ये मुझे अच्छा लगा। चाय तो नहीं, कॉफ़ी की चुस्की के साथ सफ़र का मज़ा लेते हैं। दोस्तों ये है हमारा हॉल जहाँ पर हम भोजन भात करेंगे, तो बेसिकली हमारी बस रुकी है व्यंजन ढाबे पर, और इस व्यंजन ढाबे पर हम शुद्ध शाकाहारी खाना खाते हैं। ये अच्छा है, यहाँ पे गूगल पे भी चलता है, मतलब अगर आपके पास कैश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके दोस्तों, हमारा व्यंजन तैयार है, बेसिकली हमारे पास है तीखा पनीर, ओके, इट्स अ काइंड ऑफ नाइस ग्रेवी दिख रही है, बूंदी रायता, जीरा राइस, दाल मखनी और शायद रोटी भी होगी, 1, 2, 3 स्टार, और बटर रोटी। जैसे कि आप लोगों को पता है कि बिना बटर के रोटी मुझे अच्छी नहीं लगती, तो अगर दावत पे बुलाओ तो बटर लगाना। वैसे तो बाल्टी में पानी लेकर के नहाया जाता है, लेकिन मैं अपनी दाल खा रही हूँ। अब आपको थोड़ा टेस्ट बता देते हैं, वैसे भूख भी लग गई थी। और हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जहाँ पर रोका है बस ने, वो ढाबा मतलब व्यंजन ढाबा मुझे
व्यंजन के हिसाब से तो अच्छा दिख रहा है, लेकिन क्लीनलीनेस भी बहुत दिख रही है मुझे, बहुत साफ़ सुथरा है, इवन टॉयलेट भी बहुत साफ़ सुथरा था। दिस इज टेस्टी। अब दाल चकली है, वैसे मैं हर चीज़ दही के साथ खाती हूँ, लेकिन आपके लिए अलग से खा ली हूँ। दाल मखनी का भी टेस्ट बहुत अच्छा है, अभी तक अच्छा लग रहा है मुझे। ये रहा मशरूम मसाला। वेल दोस्तों, जहाँ हम हो और कुछ हटके ना हो तो कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे बर्थडे मनाया जा रहा है और लेट्स सिंग, हम सब एक साथ बर्थडे पार्टी मनाते हैं। केक हो जाए। ओके, स्वास्तिक का बर्थडे है। ओके स्वास्तिक बेटा, मेरा हाथ हिला। हैंडशेक। हैप्पी बर्थडे टू यू। बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू स्वास्तिक। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। वेल, आप लोगों के लिए मैं जो है जस्ट हम लोगों का जहाँ पर ढाबा है ना, उसके ऑपोजिट में जो है पेठा मिलता है, तो चूंकि हम आगरा में हैं तो पेठा तो खाएंगे। पंछी पेठा, लेकिन यहाँ सभी लोग पंछी पेठा बेच रहे हैं। दोस्तों पेठा लिया जाए, देखते हैं। बेसिकली जो वाइट वाला पेठा होता है ना, वो होता है ओरिजिनल सिंपल पेठा। और भैया कितने का है ये? ये 130 का। ये कितना है? 800 ग्राम। 800 ग्राम 130। और ये 70 का है, 400 ग्राम। अच्छा 70 का 400। और जो फ्लेवर वाले होते हैं? फ्लेवर वाले ये हैं सारे अलग अलग। ये क्या है? केसर में आता है ड्राई में, एक आता है अंगूरी में केसर, वो ये। ओके, ये ड्राई में। और ये आपका चॉकलेट है, ये ड्राई फ्रूट में चॉकलेट है, एक आता है सादा में। ये क्या है दोस्तों? रेवड़ी। और ये डॉन की फेवरेट है, अगर आपको डॉन को कभी मिलना और उसे खुश करना हो तो आप रेवड़ी ला सकते हैं, उसके मुंह पे इतनी बड़ी स्माइल आएगी। हम लोग आगरा में हैं तो आगरा की थोड़ी बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। वैसे तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन द हाईएस्ट फॉरेन फुटफॉल ही नहीं बट हाईएस्ट इंडियन फुटफॉल जो है वो आगरा के ताजमहल में होता है इंडिया में, और करीबन 70 से 80 मिलियन लोगों का ताता होता है पूरे साल भर में। अभी कोविड के कारण थोड़ा कम हो गया है, लेकिन अभी फिर से मैंने देखा है, तो मेरा एक ब्लॉग जो है वो अगर आपने देखा होगा, जो मैंने किया था डबल डेकर में भी, और इवन मैंने किया है झांसी जाते हुए, इवन अजमेर जाते हुए, गतिमान एक्सप्रेस में मैंने बताया है ताजमहल के लिए जो है लोगों का ताता। देखिए बहुत सारा पेठा ले लिया है। बेसिकली पंछी पेठा जो है वो एक ब्रांड है, और कुछ रजिस्टर्ड जो है फ्रेंचाइजीज होते हैं उनके पास पंछी पेठा ऑथेंटिक होते हैं। और मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, लेकिन हाँ बस यही है कि व्हाट इज पंछी पेठा। मज़ेदार है, जो डिकी है अपने बस की उसमें एक इंसान नहीं दो भी सो सकते हैं। हाँ, और बाकी यहाँ पर देखिए पूरा लगेज के लिए इनफ जगह है लगेज के लिए। कल सुबह भी बताऊंगी और ये अपनी बैग, वैसे बाइक भी जा सकती है, लेकिन ये लोग बाइक रखते नहीं क्योंकि इन केस अगर खुदा ना खास्ता एक ड्रॉप भी अगर उसमें पेट्रोल रहा तो ब्लास्ट होने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये लोग अलाउ नहीं करते, नहीं तो बाइक भी आ सकती है। इसमें बेसिकली ड्राइवर कभी कभी सो सकते हैं, और बेसिकली क्या है कि जिस नंबर की सीट आपकी होगी उसी नंबर के टैग्स जो हैं आपके बैग में लगते हैं, एक होता है ड्राइवर के पास और एक टैग होता है आपके पास। तो ये क्यूट सा हमारा को पैसेंजर है जो हमारे साथ बस में है। क्या नाम है आपका? हाँ, क्या जोर से बोलो। आवाज निकलता है। ओ बाल देखना है इसको, तुमको बाल देखना है। इधर देखो, इधर देखो। अरे तो गिल गया। ये फिर हम ऊपर चढ़ गए ना। जी जी। वेल दोस्तों, मैं तो आपको बताना भूल ही गई कि मेरी सीट कौन सी है। तो मेरी जो सीट है वो सिंगल ली हुई है। ओके, लोअर पे मैं रहूँगी और अपर पे जो है दिव्या रहेंगे, और ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। ओके
ओके दिस इज़ क्वाइट अ कम्फर्टेबल वन. वैसे मेरा जो है स्लीपिंग बैग भी है मेरे पास, क्योंकि अब तो जो है ब्लैंकेट्स वैंकेट्स नहीं मिलते हैं. अदरवाइज ब्लैंकेट्स दिए जाते हैं बसेस में, लेकिन ड्यू टू पैंडमिक अरे ड्यू टू कोविड तो बिना ब्लैंकेट के रहिए या अपनी चादर लेकर के आइए. देखिए एक कर्टन आ जाते हैं तो एक पार्टीशन हो जाता है डबल में भी. दोस्तों कल सुबह मुलाकात होती है, अभी हम विश्राम करने जाते हैं. थोड़ा थोड़ा आपको लुफ्त उठाने का मौका मिलेगा क्योंकि अभी हम हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे पर. दादा बाय बाय, गुड नाइट. हाय मेरी लाइट. तो बड़ी मुश्किल हो गई थी, लगी मुझे टॉयलेट, मेरा मुंह आ गया पूरा, छाले हो गए थे, मैंने पानी पी लिया ज़्यादा. और उसके बाद मैंने देखा कि आगरा लखनऊ हाईवे पे जो है टॉयलेट 100 मीटर पे है. मैं भागी ड्राइवर तक, तब तक मैं जो है निकल गया था. हम लोग करीबन 1 किलोमीटर आगे निकल गए थे, फिर सामने की तरफ था, लेकिन सामने की तरफ तो पूरी जाली लगी हुई है, तो बोले किसी ने तो तोड़ी होगी. फिर देखा तो उसके आगे 1 किलोमीटर पे थी. मैंने कहा लेट हो जाएगा बस को, मैंने कहा चलो ठीक है. और उसके बाद मैंने पूछा तो बोले 90 किलोमीटर पर दूसरा है. जो कि दिल्ली से लेकर पटना जा रही है. तो दोस्तों अभी तक हम लोग जो है अराउंड 800 किलोमीटर का रास्ता तय कर चुके हैं, और करीबन और अभी हमने तय करना है 300 किलोमीटर के आसपास, और गोरखपुर बस आने ही वाला है. कल का सफ़र जो है रात का काफ़ी अच्छा रहा, मुझे ऐसे था कि कहीं ज़्यादा जर्क ना आए, लेकिन क्योंकि एयर सस्पेंशन वाली है बस है और वो है तो जर्क नहीं थे, रास्ता भी काफ़ी स्मूथ था. आई होप कि आगे भी स्मूथ ही रहे. वैसे दोस्तों जो हमारे साथ हैं उनका नाम है शंकर झा जी, और मधुबनी से बिलोंग करते हैं बिहार में, और बेसिकली BSRTC में आप किस पोजीशन पर हैं? तो ट्रैफिक मैनेजर हैं, और वो हमें इस पूरे जर्नी का जो है लुक कैसे उठाया जाए वो भी बताते जा रहे हैं. बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन है बस के बारे में वो सारी दे रहे हैं मुझे, तो अच्छा लग रहा है. और आई वंस अगेन थैंक BSRTC फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस ब्यूटीफुल जर्नी. हाँ, लेकिन आपको जो रिव्यू मिल रहा है वो जेन्युइन रिव्यू मैं दूंगी, किस तरीके से मुझे सफ़र में क्या क्या कंफर्ट और डिसकंफर्ट होते हैं. एक खुशखबरी है बिहार के लोगों के लिए और नेपाल के लोगों के लिए भी. बेसिकली जो है BSRTC जो है शुरू करने वाली है बिहार टू नेपाल, मतलब पोखरा और काठमांडू दोनों जगह जो है चलेगी अपनी बस. बस कुछ ही और दिन, और करीबन कितना समय लग जाएगा? अभी प्रपोजल है बिहार जा रहे हैं और बिहार का मखाना नहीं खाए तो ये कैसे चलेगा? मुझे बहुत अच्छा लगता है. बाय. बड़ा क्यूट सा था, मैं तो गिल गया. क्रॉस कर चुके हैं. वैसे अभी हम लोग थोड़े लेट हो गए हैं, अभी बजे हैं 10,
और बेसिकली जो है रात को ही पैसेंजर की वजह से भी लेट हो गया, और किसी पैसेंजर के लिए वेट भी कर रहे थे लखनऊ में तो थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन उसी वजह से भी आज थोड़े से लेट पहुंचने वाले हैं। नहीं, और मेरा साल बहुत पुराना है। फ्रूट सलाद, आ हा हा, इसने मेरा मन ठीक कर दिया। सुबह सुबह चाय की चुस्की ना हो तो मज़ा कैसे आएगा। वैसे मेरे मुंह में छाले आए इसलिए मैं चाय नहीं पी रही हूँ, लेकिन ये देखिए अंदाज हो जाए आप लीजिएगा। ओके बस में ट्रैवल करने में एक प्रॉब्लम जरूर आता है कि रास्ते में जाम कहीं पे भी हो सकता है। जैसे बिन मौसम बरसात दिल्ली में हुई थी उसी हिसाब से अभी हम लोग फंसे हुए हैं जाम में, और ये जाम काफी देर से लगा हुआ है। दोस्तों, कुशीनगर एयरपोर्ट का आज जो है लॉन्च है, और उसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज आए हुए हैं, तो इसी कारण से यहाँ पर इतना भीड़ है, बेसिकली जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। कहीं पे गोलगप्पे बिक रहे हैं, तो कहीं पे फ्रूट चाट है, तो कहीं पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और गाड़ियों का तांता लगा हुआ है। एक तरफ वन वे कर दिया गया है, और मतलब हमारी तरफ वन वे कर दिया है, जिसमें नहीं उस तरफ वन वे कर दिया है, हाँ वो बंद है, पूरी तरीके से ब्लॉक है, और यहीं पर दोनों तरफ के जो व्हीकल हैं वो आ जा रहे हैं। वेल दोस्तों, अब हम बिहार में एंटर कर चुके हैं। दोस्तों, अभी पिपरा कोटी पर जो है हॉल्ट की थी, लेट काफी हो गई, समोसे चल रहे हैं यहाँ पे, अब मैं कंफ्यूजन में हूँ, खाऊं नहीं खाऊं भूख भी लगी हुई है, और अब हम सीधे जो है मुजफ्फरपुर की ओर। छोटे छोटे हैं कौन एक दे रहा है। यहाँ से आप दरभंगा जा सकते हैं, जिनको शहर में नहीं जाना।
सीधे सीधे निकल ही रहे हैं पटना की ओर। वेल दोस्तों, मुझे जानकारी मिली है कि ये जो दिल्ली टू पटना का जो हमारा डिस्टेंस है 1140 किलोमीटर का, ये थर्ड लॉन्गेस्ट है। जो फर्स्ट लॉन्गेस्ट है वो है बैंगलोर टू जैसलमेर, और सेकेंड लॉन्गेस्ट है अगेन बैंगलोर टू जोधपुर। इसको चांदनी चौक बोलते हैं। हम बेसिकली महात्मा गांधी सेतु पर हैं, और ये वही महात्मा गांधी सेतु है जो जर्जर हालत में रहा है काफ़ी सालों तक, और ये हमारी गंगा के ऊपर है। अभी कुछ ही दिनों में जो है छठ पूजा होगी, और भव्य रूप में जो है मनाया जाएगा इसी गंगा के तट पर। हो सकता है कि अगले साल तक में जो है ये ब्रिज पूरी तरीके से बन गया हो। बाप रे, जब चलते थे हम इस पर से, चलते नहीं थे, जब हमारी कार जब यहाँ से जाती थी तो ऐसे लगता था कि अब गिरा कि तब गिरा। ठीक है, बहुत अच्छा रहा सफर आप लोगों के साथ। ठीक है, कितने घंटे हो गए अब हमको? 24। बीएसआरटीसी के साथ का ये सफर जो है यहीं पर खत्म होता है। तो दिल्ली से लेके पटना तक, ओह माय गॉड, अभी बजे हैं 7, मतलब कुल जो है हम लोगों ने 26 घंटे का सफर तय किया है। यहाँ पर आप पेंटिंग देख रहे हैं, और ये हम पटना में हैं, हम हैं बिहार में। वाओ, पहुँच चुके। दिस इज शाली फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल, और आप सब लोगों से बहुत प्यार करते हैं। ये सफर बहुत लंबा रहा, ओ माय गॉड रहा। सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना, और जरा बाय बाय फ्रॉम माय एंड। बहुत हाथ जोड़ रहे हैं क्योंकि सफ़र कुछ ज़्यादा लंबा हो गया। भाई उसमें बस की क्या गलती है, रास्ते में इतना मतलब ट्रैफिक जाम हो गया था कि क्या कहे, वो तो आप लोगों ने देख ही लिया। वापस क्या बताऊँ आप लोगों को।